गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिस्टोरिकल रोमांटिक स्टोरीज के फिफ्थ सेगमेंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल कथानक पर चर्चा करेंगे, दैट इज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वेयर वी विल डिस्कस स्पेशली अ वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ कश्मीरी हिस्ट्री, दैट इज नोन एज द क्वीन दिद्दा, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा जिन्हें जिनकी तुलना रूसी कैथरीन से की जाती है, जो जन्म से लंगड़ी थी, इसीलिए उनको लंगड़ी रानी भी कहा जाता है। वो बहुत सातिर और चालाक महिला, बहुत ही कह सकते हैं अत्याचारी लस्टफुल महिला थी, इसीलिए उन्हें चुड़ैल रानी भी कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं पहले दिद्दा से, पहले देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जो हिमालय से पीर पंजाल तक का जो क्षेत्र है, उसके बीच में जो भौगोलिक स्थल है उसे कहा जाता है कश्मीर। तो ये कहाँ पे है? यह हिमालय से लेकर आपके पीर पंजाल के बीच का क्षेत्र था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में इसमें जो इसके हिस्से हैं वह ज़्यादातर आपके मतलब भारत का तो वह अभिन्न हिस्सा है ही, तो भारत में कुछ हिस्सा जो आपके पाकिस्तान से युद्ध के फलस्वरूप कुछ पाकिस्तान में चला गया, जिसे हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या गुलाम कश्मीर कहते हैं। इसमें मुख्यतः आपका बलूचिस्तान गिलगित का क्षेत्र आता है। और कुछ जो है, जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ तो उस युद्ध के फलस्वरूप जो हमारे यहाँ स्पेशली जो अक्साई चीन का एरिया है, मतलब जो उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया भारत का क्षेत्र, खासकर ट्रांस कराकोरम में स्थित है, जिसे आप सक्षम घाटी भी कहते हैं, तो उसमें कुछ अक्साई चीन का एरिया भी आपका चाइना में चला गया है। तो ये सभी जो टेरिटरीज हैं, ये सभी मिला के आपके कश्मीर का निर्माण करते हैं आते हैं। कश्मीर भारत में जो है वो आपका पहले जम्मू कश्मीर था, अब आपका जम्मू कश्मीर एक हो गया है, दूसरा कर दिया गया है लद्दाख। ओके, तो ये आपका रिसेंट सिनेरियो ऑफ कश्मीर है। कश्मीर की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि कश्मीर को यूनानी में कस्पीरा कहा गया है। कश्मीर को यूनानी में कहा गया है कस्पीरा। और वेनसांग ने अपने सीयुकी जिसे पश्चात संसार का लेख कहते हैं, इसमें उन्होंने किसी मिलो कहा है। तो कश्मीर को वेनसांग ने किसी मिलो कहा है। साथ ही साथ अगर पाणिनि के अष्टाध्याय में अगर लिटरेरी सोर्सेज में जाएं तो देखते हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी, जिनका समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, तो अष्टाध्यायी में स्पष्टतः हमको कश्मीर का वर्णन प्राप्त होता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह अष्टाध्यायी आपका व्याकरण पे लिखा गया ग्रंथ है, जिसपे आगे चल के पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ठीक है, वो एक क्रिटिकल कमेंट्री है, और आगे चल के कात्यायन ने इस पर काम किया है। इसीलिए आपके पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है, तीन मुनि। ओके, आते हैं आगे। कश्मीर प्राचीन काल में हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है। हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में यह शैव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, इसीलिए राजतरंगिणी में वो कलहट चर्चा करते हुए कहता है कि अशोक जो थे वह पहले शैव थे, और आगे चल के वो चर्चा करता है शैव धर्म के बारे में, शैव धर्म के विकास के बारे में कश्मीर के क्षेत्रों में, तो बहुत सारी बातें वहाँ पर होती है। थोड़ा सा आते हैं फिर, इफ़ यू गो थ्रू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वी फाइंड फर्स्ट सोर्स इस राजतरंगिणी, दैट इज अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ नॉट ओनली इंडियन हिस्ट्री बट ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राजतरंगिणी जो है यह 8 भागों में लिखा गया, जिसे 8 तरंग कहते हैं। राजतरंगिणी को लिखा है आपके कल्हण ने, इसे भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, इसे भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, जबकि विश्व इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होता है हेरोडोटस की हिस्टोरिका। राजतरंगिणी के याद रखिएगा एक है, और एक किताब लिखी गई है लोकन कवि ने, उसका नाम है राजतरंगिणी
अभी हम लोग राजतरंगिणी पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे ढेर सारा। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, द रिवर ऑफ किंग, ठीक है। हाँ, तो द रिवर ऑफ, द रिवर्स ऑफ किंग, राजाओं की नदी कही जाती है, या द रिवर ऑफ किंग्स, ओके, आते हैं। तो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी को आपको जानते हैं, आगे चल के राजतरंगिणी को कार्य को आगे बढ़ाया। राजतरंगिणी में कुल, जब कल्हण ने लिखा है तो कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में 37 राजाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से अंतिम राजा जो हैं वह राजा जयसिंह हैं। वहीं तक वर्ण है, लगभग इसमें वर्णन जो मिलता है आपके प्राचीन कश्मीर के इतिहास से लेकर 1148-49 तक के इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसके अंतिम राजा हैं जयसिंह। ओके, राजा जयसिंह जो है उन्होंने 1128 से लेकर लगभग 1154-55 तक शासन किया है। अब आते हैं कश्मीर का, फिर राजतरंगिणी के इतिहास को आगे किसे बढ़ाया, आगे बढ़ाया जोनराज ने। जोनराज ने जहाँ पे द्वितीय राजतरंगिणी खत्म किया, उसके आगे को, आगे के कार्य को बढ़ाया श्रीवर ने, श्रीवर के कार्य को बढ़ाया प्रजाभट्ट ने, और अंतिम रूप से इसको बढ़ाया शुक ने। शुक ने ले जाकर इसके इतिहास को कहाँ तक लिख दिया, यह इतिहास आपका जो राजतरंगिणी है यह 1596 तक के इतिहास का वर्णन करने लगा, वहाँ तक आपका पहुँच जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें राजतरंगिणी में कारकोट वंश, गोनंद का वंश का वर्णन, कारकोट वंश का वर्णन, उसके बाद आपका उत्पल वंश का, उसके बाद आपका लोहार वंश आज का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो के नू सिपेहर में, जिसका मतलब होता है नव आकाश, नू सिपेहर में भी हमको कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और नू सिपेहर में याद रखिएगा नव आकाश होता है, इस्लाम में 8 स्वर्ग, 9 आकाश और 10 फरिश्ते माने गए हैं। कैसे पता चलता है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हसन निजामी ने एक ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर, उस ग्रंथ में वह कहता है कि मोहम्मद गोरी की आत्मा मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा 8 स्वर्गों, 9 आकाशों और से सबसे से मिलते हुए 10 फरिश्तों में समाहित हो गई, ठीक है। इससे हमको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। ओके, अब आगे फिर आते हैं। तो नू सिपेहर में ही आपके जो स्वर्ग की जो आपके है कश्मीर की तुलना स्वर्ग से की गई है। ओके, आते हैं फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ है जिसे लिखा है बर्टन स्टेन ने, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है एक वाल्टर लॉरेंस ने लिखा है द वैली ऑफ कश्मीर। इसमें इन्होंने जो यहाँ के राजा थे सिकंदर की क्रूरता के बारे में बताया है, उन्होंने कैसे ब्राह्मणों की हत्या किया। वो कहता है द वैली ऑफ कश्मीर में कि सिकंदर ने ब्राह्मणों की हत्या करके उनके जनेऊ को इकट्ठा किया, और जनेऊ का जब वजन किया गया तो वो 18 मन था। और ये कुछ हाइपरबोल हो सकता है, ठीक है, इसको एक्सग्रेट किया गया है, तथापि इसकी क्रूरता की हमको जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। एक अन्य किताब लिखी गई है लेटेस्ट में आशीष कौल की है, ठीक है, जो दिद्दा लिखी गई है, जिसका नाम है दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, यह आशीष कौल ने लिखा है। और एक अभी लेटेस्ट में कंगना रनौत की फिल्म अनाउंस हुई है दिद्दा पे, उसका नाम है मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा। तो दिद्दा की कहानी पे ये महत्वपूर्ण आपके हिस्टोरिकल सोर्स है जिनकी हम लोग चर्चा किए। अब आते हैं कश्मीर का जो प्राचीन इतिहास है वह शुरू होता है गोनंद वंश से। गोनंद वंश के बाद इसका महत्वपूर्ण वंश है आपका कारकोट वंश है। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश के बाद आता है लोहार वंश। रानी दिद्दा जो थी वह इसी लोहार वंश की थी। इसके बाद आता है आपका साहमीर वंश, ठीक है, और साहमीर वंश खत्म होता है। तो इसी में मुगलों में अकबर ने इसके बाद 1586 में यूसुफ शाह से इसको कश्मीर को जीत लिया। उसके बाद इनके अंतिम दौर में लगभग 1751 के आसपास से दुर्रानी वंश जो अफगानिस्तान में आए थे, अफगानी वंश ने इस पर अधिकार कर लिया। 1820 तक चले। 1820 के बाद इस पर सिखों ने अधिकार कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह का दौर चल रहा था, तो उस समय जो है जब कश्मीर जो है उनके अंडर में आ गया। ये काफ़ी दिन तक चला। आपको पता है कि उसके बाद अंग्रेज जो थे जब पंजाब पे अपना घात जमाए और पंजाब को जीतने का प्रयास किया, तो उसमें दो युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो क्रमशः 1845-46 और 1848-49 तक हुआ। इन युद्धों के पश्चात जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था 1845-46 में, उसके बाद
जब एक संधि हुई अमृतसर की संधि, उस संधि में यह कह दिया गया कि गुलाब सिंह को, याद रखिएगा, गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए के बदले कश्मीर का क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों ने दे दिया, और तो वहां से जो है उनके हाथ में चला गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उनका वंश क्या है, उनका वंश कहलाता है डोगरा वंश। कौन सा वंश? डोगरा वंश। तो डोगरा वंश का शासन आ गया। डोगरा वंश में अंतिम शासक, महान शासक हुए जिनका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह ने 1925 से 47 तक यहाँ पे शासन किया। और हरि सिंह के बारे में कहा था कि आप जानते हैं, हरि सिंह हिंदू थे, ठीक है, हाँ हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन कश्मीर में ये क्या करते थे, जब भारत विभाजन की बात चली तो इन्होंने अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया, न भारत में शामिल होना चाहते थे न तो ये पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये नहीं शामिल हुए थे। लेकिन हुआ क्या, इनके ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाया गया, और जब जिन्ना 7 अगस्त 1947 को DC-3 जहाज से जब पाकिस्तान चले गए, तो उसके बाद उन्होंने हरि सिंह को अपनी तरफ मिलाने के लिए अपने अपने पर्सनल सेक्रेटरी थे कर्नल विलियम बिरनी को उन्होंने भेजा और कहा कि मैं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए कश्मीर आना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्ना जो थे वो क्षय रोग, टीबी रोग से ग्रसित थे, और वो लगभग अंतिम स्टेज अंतिम दौर में थे। उनके डॉक्टर थे बम्बई के डॉक्टर पटेल, ठीक है, तो डॉक्टर जालधार पटेल उनका नाम है पूरा। तो ओवरऑल तो वो चाहते थे कि यहाँ पहुँच के हम इनको अपने तक मिलाएंगे, लेकिन क्या किया, हरि सिंह ने बड़ी चालाकी से उनको मना कर दिया। जब मना कर दिया तो क्या हुआ कि जिन्ना ने सरदार खुर्शीद अनवर जो हैं, ठीक है, वो कबाली नेता हैं, चिंता है, उनको उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, प्लांट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, कबाइलियों को इकट्ठा किया और सैराब हयात खान के नेतृत्व में कबाइलियों ने आक्रमण कर दिया था। यद्यपि इसके पहले 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट यथा स्थिति संधि कर लिया था, लेकिन भारत वालों ने इनके साथ नहीं किया था संधि, ठीक है, और आज चला। जब कबायली आक्रमण हो गया तो मजबूरी में ये भारत की तरफ हरि सिंह भाग आए, और अंततः 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे कहते हैं विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। और उसके बाद एक जनवरी 1948 को यह मुद्दा जो है चला गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो अभी तक का मुद्दा रहा, विवादित रहा, और अभी तक वो चल ही रहा है, जो गुलाम कश्मीर, अक्साई चीन और भारत का मुद्दा। ये तो आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीर हुआ। आते हैं अब थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक पे। कश्मीर का प्राचीन इतिहास, जिसका वर्णन राष्ट्रंगणी में आपको मिलता है, यह गोनंद वंश से शुरू होता है, और यह इतिहास जो है यह आगे चल के 1596 तक का इतिहास हमको अलग अलग भागों में राष्ट्रंगणी के प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें इस यहाँ पे कई प्रमुख रानियाँ हुई, जैसे काकोट वंश की बड़ी प्रसिद्ध रानी थी रानी नरेंद्र प्रभा। उत्पल वंश में कई रानियाँ हुई, जिसमें से आपके सब उत्पल वंश में एक है रानी सुगंधा, इसमें काफ़ी फेमस रानी थी। और लोहार वंश में जो थी वह सबसे प्रसिद्ध थी रानी दिद्दा। और आगे चल के इसी में एक और बड़ी प्रसिद्ध रानी हुई रानी रड्डा, और अंतिम रानी इस वंश की हुई कोटा रानी, जिन्होंने एक कुट्टे खोल नामक वो बनाया, बांध बनवा के सिंचाई की सुविधा कराई थी झेलम नदी के पानी को रोककर, ठीक है, तो कोटा रानी ये हैं। इसके बाद यहाँ पे चला गया था साहनील वंश, आ गया था ओरा, आगे चर्चा करते हैं। लोहार वंश जो है यह दो बार स्थापित हुआ, एक बार 1003 से चला है 1100, और दूसरी बार 1101 से लेकर 1347 तक, जब तक कि साहमीर वंश नहीं आ गया। लोहार वंश जो है, जिस समय लोहार वंश चल रहा था उसी के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आपका उत्पल वंश था उस समय। लोहार वंश के राजा थे उस समय सिंहराज की एक पुत्री थी जिनका नाम था दिद्दा, ठीक है, और जो हिंदू शाही शासक पंजाब के भीमशाही थे उनकी पौत्री थी, सिंहराज की पुत्री और भीमशाही की पौत्री थी। यह जन्म से लंगड़ी थी, इसीलिए इनको लंगड़ी रानी कहते हैं। ये प्रकृत्या बहुत ही क्रूर महिला थी, आतताई महिला थी, बहुत ही लस्टफुल महिला थी,
अत्याचारी महिला थी, ठीक है, इसीलिए इनको उनको समकालीन स्रोतों में चुड़ैल रानी कहा गया, ठीक है। और रूस की एक बड़ी प्रसिद्ध रानी हैं, ठीक है, जिनके वो हैं रानी कैथरीन, तो रूसी रानी कैथरीन के साथ भी इनकी तुलना की जाती है। रानी दिद्दा का इतिहास हमको राजतरंगिणी के छठवें अधिकरण में मिलता है। राजतरंगिणी के छठवें अधिकरण में हमको रानी दिद्दा का इतिहास मिलता है। इनका यद्यपि ये भले ही लंगड़ी थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए राजा उत्पल वंश के राजा क्षेमेंद्रगुप्त इन पर मोहित हो गए और उन्होंने इनसे विवाह कर लिया। ये काफ़ी प्रभावशाली महिला थी, काफ़ी कूटनीतिक और राजनीतिक महिला थी। धीरे धीरे इन्होंने सत्ता को पूरा कब्जा लिया, सत्ता पर अधिकार कर लिया और पूरी तरह से राजा को अपने सबॉर्डिनेशन अपने अंडर में कर लिया। तो इसीलिए क्षेमेंद्रगुप्त को कहा गया दिद्दा क्षेम, इसे कहा गया दिद्दा क्षेम, दिद्दा के जो क्षेम, दिद्दा अधिरोपित क्षेमेंद्र, तो दिद्दा क्षेम कहलाने लगे। इसके बाद जब क्षेमेंद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु जो 958 से 72 तक शासन किए थे उनकी संरक्षिका एज ए पेट्रोनेज हो गई, कुछ समय तक वो चला। इसके बाद नंदीगुप्त हुए तो उसकी भी संरक्षिका बनी, त्रिभुवन गुप्त हुए तो उसकी बाद भी संरक्षिका बन गई। इसके बाद जब भीमगुप्त राजा बने तो भीमगुप्त की हत्या कराने के बाद रानी दिद्दा ने भीमगुप्त की हत्या करा दिया। हत्या कराने के बाद सत्ता पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, तो एक प्रकार से जो मोनोपोली उनका शुरू हो गया, पूरा जो एक कह सकते हैं कि दैट वाज जस्ट लाइक द ऑटोक्रेसी, या एक व्यक्ति का शासन जिसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, तो पूरा एक तरह से उनकी ऑटोक्रेटिक व्यवस्था शुरू हो गई, पूरी शासन उनका खुद का हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि दिद्दा तानाशाह महिला थी, एरोगेंट महिला थी, डिक्टेटर थी, ठीक है। तो दिद्दा का शासन शुरू हुआ। कहा जाता है कि दिद्दा का जो था व्यक्तिगत जो प्रेम था वह एक खस जात के थे तुंग, उनका नाम था खस जात, जो है ये भैंस चराने वाली एक जाति थी, खस जात थी, और इसी जात के थे तुंग नामक व्यक्ति से, ठीक है, इनका प्रेम संबंध स्थापित हो गया और अंततः तुंग को इन्होंने अपने राज्य का प्रधानमंत्री तक बना दिया। तो तुंग आपके उनके प्रधानमंत्री बन गए। तुंग के बारे में हमको बाहर भी जल्द की जानकारी मिलती है। जब तुंग के बाद राजा बने थे संग्राम राज जो हैं वह लोहार वंश के प्रमुख शासक हैं, जो कि रानी दिद्दा के मातृपक्ष में आते हैं, क्योंकि रानी दिद्दा ने अंततः अपना जो राज्य था अपने मातृपक्ष के अपने मायका वालों को संग्राम राज को दे दिया था, ठीक है। इसीलिए संग्राम राज को लोहार वंश का संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है। तो लोहार वंश भी प्रथम लोहार वंश, द्वितीय लोहार वंश, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय महमूद गजनी का लगातार आक्रमण चल रहा था, तो इन्होंने तुंग को पंजाब के शासक थे त्रिलोचन पाल, हिंदू साहिब वंश के शासक थे त्रिलोचन पाल, हिंदू साहिब वंश की स्थापना किया लगड़तू मान ने, तो क्या किया कि उनकी तरफ युद्ध करने के लिए भेज दिया महमूद गजनी के विरोध में। और जब वहाँ से वो युद्ध करके वापस लौटे तो किसी मुद्दे पर, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पर तुंग की हत्या करा दी गई। तो तुंग की हत्या कब हुई है, तुंग की हत्या हुई है संग्राम राज के समय में। रानी दिद्दा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी, कहा जाता है कि वो वीर शासिका थी, प्रभावशाली थी। रानी दिद्दा ने महमूद गजनवी के दो बार कश्मीर के आक्रमण को भी विफल किया था, ऐसा हमको जानकारी मिलती है समकालीन स्रोतों में कि रानी दिद्दा ने महमूद गजनवी के दो अभियानों को उन्होंने असफल कर दिया था। तो ये जानकारी मिलती है। रानी दिद्दा कला संस्कृति में भी उनके योगदान चर्चा मिलती है। रानी दिद्दा ने दिद्दापुर नामक नगर बसाया था, कंकनपुर नामक नगर बसाया था, और इन्होंने एक दिद्दा स्वामी का मंदिर भी बनवाया था, तो कुल मिला के कश्मीर के इतिहास में रानी दिद्दा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद अगर कोई है तो रानी सुगंधा हैं, उसके बाद आपका रानी नरेंद्र प्रभा हैं, और उसके बाद कोटा रानी हैं,
जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण जो रानियां हैं जिन्होंने कश्मीर के इतिहास में योगदान दिया, उसमें दिद्दा का नाम महत्वपूर्ण है। इसीलिए वर्तमान में दिद्दा पे एक महत्वपूर्ण फिल्म बन रही है जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, जो कंगना रनौत अभिनीत फिल्म होगा, जिसका नाम है मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा। तो ये मणिकर्णिका रिटर्न जो है इन्हीं पे जीवन और कृतित्व और व्यक्तित्व पे बनाई जाने वाली आगामी फिल्म होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को कश्मीर का इतिहास समझ में आया होगा, रानी दिद्दा सुगंधा आदि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करेंगे, भी एक अलग वीडियो बनाएंगे रास तरंगड़ी का। रास तरंगड़ी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कैसे लिखा गया है, किसने किसे लिखा है, किसने अनुवादित किया है, किस नाम से किया है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो रास तरंगड़ी का अंग्रेजी अनुवाद किया है होरेस हाइमन विल्सन ने। उनका नाम है हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसका रास तरंगड़ी का अनुवाद है आपका द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर होरेस हाइमन विल्सन। ओके, तो यहाँ तक हुआ, अगले सेगमेंट में फिर मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।